नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हजामत खान ने जिस लहंगे को पहनकर चीनी बरामदे में नाचने का सपना देखा था, वह मुल्ला की छू हो गया। मतलब तब्दीले खान की नया पाकिस्तान की एक और तब्दीली चीन की चतुराई के आगे असफल साबित हुई। यानी पाकिस्तान जिस नमाज को पढ़ने के मंसूबे चीन में चाह रहा था, वह नमाज अब पाकिस्तान की हीरा मंडी तक ही सीमित हो गई है। चीन ने साफ बोल दिया है कि अब पाकिस्तान को शादी का वीजा बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी पाकिस्तान के लिए तो बड़ा झटका है ही, गरीब पाकिस्तानियों के लिए भी पेट पर लात मारने वाला फैसला है। पूरा मामला बाद में समझेंगे, पहले चीन से जो फैसला आया है उसको जान लेते हैं। चीन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ली चियांग यो ने एक सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान के शादी वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह इस खटारा मुल्क के मुंह पर बड़ा तमाचा है। ली चियांग यो ने कहा है कि पाकिस्तान के 40 शादी वीजा अभी प्रक्रिया में थे, जबकि 90 शादी के वीजा लाइन में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि आज के बाद पाकिस्तान को किसी शादी वीजा की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसमें वह सभी शादी वीजा शामिल हैं जो चीन में या पाकिस्तान में शादी करके एक दूसरे के देश में आते जाते हैं। मतलब अब पाकिस्तान की राह बेहद मुश्किल हो गई है। दरअसल पाकिस्तानी जनता गरीबी और भुखमरी से तंग आकर अपनी लड़कियों को चीनियों के हवाले कर रही थी, जिसे पाकिस्तानी बुद्धिजीवी इसे पाकिस्तान में जनरेशन में बदलाव के नजरिए से देख रहे थे। यानी मदरसा छाप लोगों में चीनी DNA के मिश्रित करने का एक बड़ा खेल खेला जा रहा था। शुरुआत में पाकिस्तानी मीडिया और सरकारों ने इस अभियान को प्रोत्साहित भी किया, लेकिन चतुर चीनी इन पाकिस्तानी लड़कियों को चीन में ले जाकर बीवी बनाकर रखने की बजाय चकला घर पे छोड़ रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान में हलचल मचना शुरू हुई। यानी जो पाकिस्तान ने सोचा था वह ठीक बिल्कुल उल्टा हो रहा था। पाकिस्तानी मीडिया जो कल तक इस मुद्दे पर बड़े बड़े शो करके तालियां बजवा रही थी, मामले का पट्टा चेप होते ही सरकार पर दबाव बनाने लग गई, जिसके बाद फैसलाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 चीनियों को गिरफ्तार कर लिया। पर इससे चीन बिदक गया, उसे पाकिस्तान की यह गुस्ताखी सहन नहीं हुई। चीन ने एक मालिक की तरह अपना टास्क फोर्स पाकिस्तान में भेजने का निर्णय लिया। इस टास्क फोर्स के दो उद्देश्य थे, एक तो चीनियों को पाकिस्तानी हवालात से मुक्त कराना, जबकि दूसरा पाकिस्तान द्वारा CPEC की IMF को साझा की गई गोपनीय जानकारी का पता लगाना। चीन इस बात से भी क्रुद्ध चल रहा है कि इमरान सरकार ने CPEC परियोजना की जानकारी बिना उसकी अनुमति के IMF को क्यों उपलब्ध कराई है। यानी चीन की आंखों में इस वक्त पाकिस्तान खटक रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। पर मामला यहां तक नहीं है, बात अब बहुत आगे बढ़ रही है। चीन अपनी दादागिरी के बल पर नए नए गुलाम बने पाकिस्तान से अपने सभी गिरफ्तार चीनियों को छुड़ाकर ले गया है। उसने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वह सब झूठे हैं। पाकिस्तान की ऐसी गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ली चियांग यो ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि भविष्य में यदि किसी भी चीनी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो पाकिस्तान को उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मतलब पाकिस्तान की एक हरकत ने उसके हाथ पांव फुला दिए हैं, और अब इमरान सरकार चीनी सरकार को माफीनामा भेजने की तैयारी कर रही है। यानी रमजान के महीने में जो ओले पड़े हैं उससे पाकिस्तान की हालत बासी छोले जैसी हो गई है। चीनियों को गिरफ्तार करके ये मुल्क गले में बंधे पट्टे वाला वो पिल्ला बन गया, जिसे चीन ने बता दिया है कि यदि ज्यादा उछल कूद की तो बिस्कुट नहीं मिलेगा। चीन ने 9 वीजा का फरमान जारी करके पाकिस्तान को संकेत भी दे दिया कि पाकिस्तान की गर्दन से लेकर पूंछ तक चीन के हाथ में है, उस पूंछ को कभी भी तोड़ा जा सकता है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की पुलिस मुश्किल से 2 दिन भी चीनियों को कैद नहीं रख पाई, और पाकिस्तान में धमकी चीनी टास्क फोर्स के आगे दोनों हाथ खड़े कर दिए। पर बात यहां तक नहीं है, कहानी अभी इससे भी आगे जाने वाली है। इस फैसले से पाकिस्तान में कॉलोनी बना चुके चीनियों को अब पाकिस्तानी अस्मिता से खुलेआम खेलने का मौका मिल गया है। यानी पाकिस्तानी लड़कियां अब दुल्हन बनकर कभी चीन में नहीं घुस सकेगी, बल्कि चीनियों को उन्हें उनके रहमो करम पर पाकिस्तान में ही छोड़कर आना पड़ेगा। चीन जान चुका है कि पाकिस्तान इस माध्यम से चीन के इस्लामीकरण करने का जो खेल शुरू करना चाहता था उसका इलाज नो वीजा ही विकल्प है। चीन बेवकूफ नहीं, चतुर देश है। खास बात यह है कि इस्लामियत का तबला सबसे ज्यादा चीन ने ही फोड़ा है। चीन उस हर फैसले को ऊपर रखता है जिससे चीन को कोई खतरा होता है। चीन को मालूम है दुनिया में गंभीर बीमारी इस्लामी आतंकवाद है,
वह यह भी जानता है कि उसको खाद पानी देने वाला पाकिस्तान है। इसलिए चीन ने समय रहते जिस प्रकार सादी वीजा पर बैन लगाया है उससे पाकिस्तान की हालत घायल बटेर जैसी हो गई है, जो केवल फड़फड़ा सकता है। वैसे मरना तो उसे चीन के हाथों ही है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।